हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए एनबीएसई स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 30 आज करने वाले हैं। और आपको मालूम है कि धौलागढ़ माता सीरीज कवर कर रही है एनबीएसई स्कीम के सारे टॉपिक, जिसमें ये सभी टॉपिक्स पर चर्चा हम कर रहे हैं। स्टेप बाई स्टेप सारे टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स हैं रखे गए हैं, तो ये सभी टॉपिक पर चर्चा हम कर चुके हैं। क्वेश्चंस हैं वो ला चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर पर आधारित। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 30 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 561 स्टूडेंट्स ऑफ विच क्लास विल बी एलिजिबल फॉर द रिवाइज रेट्स ऑफ ₹416 पर ईयर फॉर स्कूल बैग एक्सपेंसेस फ्रॉम अप्रैल 1, 2024। 1 अप्रैल 2024 से किस कक्षा के छात्र स्कूल बैग खर्च के लिए प्रतिवर्ष ₹416 की संशोधित दरों के लिए पात्र होंगे। क्वेश्चन में स्कूल बैग के लिए संशोधित दर भी बता दी, ₹416 दर है वो चेंज हो गई है 1 अप्रैल 2024 से। और स्कूल बैग है वो कौन कौन सी क्लास के लिए दिया जाता है, आप ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सी क्लास के लिए स्कूल बैग दिया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्लास 6, 9th एंड 11th। क्लास 6 में बच्चों का एडमिशन होता है, इसके बाद में 9th में लेटरल एंट्री होती है, 11th में लेटरल एंट्री होती है। तो तीन क्लासों में स्कूल बैग दिए जाते हैं। और अभी रिवाइज रेट क्या हो गई है, रिवाइज रेट हो गई है ₹416 हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर रिवाइज रेट पूछता है तो ₹416 हो गई है। और क्लासें हैं वो भी मैंने आपको बता दी। इसके साथ में नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको बता रहा है यहाँ पर पुरानी एग्जिस्टिंग दरें क्या हैं, पुरानी एग्जिस्टिंग दरें हैं वो भी देख लीजिए। अगर क्वेश्चन उन पर आ जाता है, 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हुई थी और 31 मार्च 2024 तक चली थी। तो पुरानी दरें हैं स्कूल बैग के लिए कितनी थी, ₹360 थी पुरानी दरें हैं वो 360 हो गई, और रिवाइज दरें हैं वो ₹416 हो गई। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आप कर पाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। 562 व्हाट इज इंक्लूडेड इन स्टूडेंट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एज पर एनवीएस। एनवीएस के अनुसार छात्र विविध व्यय में क्या शामिल है, यानी कि स्टूडेंट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीजें शामिल है, आप ऑप्शन देख लीजिए। क्या फूड एक्सपेंसेस इसमें शामिल होता है, या एंटरटेनमेंट कॉस्ट होती है, मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रेवल, सीबीएसई फीस एक्सेट्रा होती है, या क्लोथिंग एक्सपेंसेस होते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर विविध व्यय छात्रों के लिए कौन सा होता है वो आप बता दीजिए। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी हो जाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेज है, ट्रेवल एक्सपेंसेज है, सीबीएसई फीस है, इस प्रकार के खर्चे हैं वो किस में शामिल होते हैं, कौन से हेड में होते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में होते हैं। और मिसलिनियस एक्सपेंडिचर कितना होता है उस पर आधारित भी क्वेश्चन हम देखेंगे। आप वीडियो पर बने रहिए, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रेवल, सीबीएसई फीस। आप देख लीजिए अगला सवाल। 563 व्हाट वाज द कंसोलिडेटेड अमाउंट पर स्टूडेंट पर ईयर फॉर ऑल मिसलिनियस एक्सपेंडिचर ऑन स्टूडेंट्स टिल 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 तक छात्रों पर विविध व्यय के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्र समेकित राशि क्या थी, यानी कि 31 मार्च 2024 तक जो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर कौन कौन सी चीजों के लिए होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा टोटल खर्चा है एक साल के लिए कितना होता है, प्रति बच्चे कितना होता है, आप ऑप्शन देख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आपको सही उत्तर देख लेना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ₹1848, यानी कि ₹1848 है वो किस पर खर्चा किया जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर पर हो जाएगा, ₹1848 हो जाएगा। और साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड बता रहा है आपको, रिवाइज रेट बता रहा है ₹1940 हो गया है। पुरानी एग्जिस्टिंग दरें हैं वो तो ₹1848 थी, अभी नई दरें कितनी हो गई हैं, ₹1940 हो गई है। तो नई पुरानी दरें दोनों में यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। पुरानी दरें हैं वो लागू थी 31 मार्च 2024 तक, और 1 अप्रैल 2024 से क्या दरें शुरू हो गई हैं, ₹1940 हो गई है। तो रिवाइज दरें भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल देख लेते हैं। 564 व्हाट इज द इंडिकेटिव अमाउंट फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस पर चाइल्ड पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2024। 1 अप्रैल 2024 से प्रति माह प्रति बच्चा चिकित्सा व्यय के लिए सांकेतिक राशि क्या है,
तो आपको ये राशि भी पता होनी चाहिए। मेडिकल एक्सपेंसेस है वो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में शामिल था, तो कितना रुपया हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 से, कितनी राशि हो जाएगी पर मंथ पर चाइल्ड हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ₹42, यानी कि ₹42 प्रति बच्चा होगा। यहाँ दर बता दी गई है, ₹42 हो जाएगा किस पर, मेडिकल एक्सपेंसेस पर हो जाएगा, पर चाइल्ड पर मंथ हो जाएगा। और पुरानी दरें हैं वो क्या थी, ये नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड बता रहा है आपको। पुरानी दरें कितनी थी, ₹40 थी, तो ₹40 पुरानी दरें थी जो कि 31 मार्च 2024 तक थी, उनको रिवाइज करके कितना कर दिया है, ₹42 कर दिया है। ये चीजें आपको सभी को ध्यान रखनी है। अगला सवाल देख लेते हैं, 565, हाउ मच वॉज द रिवाइज रेट फॉर स्टेशनरी पर स्टूडेंट पर मंथ फॉर 9 मंथ्स फ्रॉम अप्रैल 1, 2024। 1 अप्रैल 2024 से 9 महीनों के लिए प्रति छात्र प्रति माह स्टेशनरी की संशोधित दर कितनी है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए। स्टेशनरी हेड है यहाँ पर, स्टेशनरी के लिए प्रति महीने प्रति बच्चा कितना खर्चा आएगा, और ये दर है वो निर्धारित की गई है 1 अप्रैल 2024 से। तो स्टेशनरी के लिए कितना फंड होगा प्रति बच्चे के लिए, आपने ऑप्शन देख लिए हैं, क्या ए हो जाएगा कि बी हो जाएगा कि सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा, कौन सा उत्तर ठीक है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ₹118, यानी कि ₹118 है प्रति बच्चा हो जाएगा। ये दर कौन सी है, रिवाइज्ड दर है, और नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको बता रहा है एग्जिस्टिंग दरें कौन सी हैं, मतलब कि पुरानी दरें 1 अप्रैल 2023 से कौन सी थी, ₹112 यहाँ पर थी, तो 112 है वो बढ़ा करके कितनी कर दिए, 118 कर दिए। 112 के हिसाब से 9 महीने का टोटल खर्चा कितना बैठ रहा था, स्टेशनरी पर बैठ रहा था ₹1,008 बैठ रहा था। आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके और इसको भी निकाल सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई करने पर ₹1,062 आता है। तो अभी साल का खर्चा स्टेशनरी पर प्रति बच्चा कितना आ जाएगा, ₹1,062 आ जाएगा। पुरानी दर क्या थी, 1,008 थी, तो उसको बढ़ा करके 1,062 कर दिया है। मंथली पूछते हैं तो 118, और पुरानी एग्जिस्टिंग दरें हैं वो कितनी थी, ₹112 थी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 566, व्हाट इज द रिवाइज्ड ऑनरेरियम फॉर ए पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर और डॉक्टर इफ द JNV इज लोकेटेड मोर देन 10 किलोमीटर फ्रॉम तालुका हेडक्वार्टर एंड मोर देन 25 किलोमीटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2024। 1 अप्रैल 2024 से यदि JNV तालुका मुख्यालय से 10 किलोमीटर से अधिक और जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, तो अंशकालिक चिकित्सा अधिकारी यानी कि डॉक्टर के लिए संशोधित मानदेय क्या है, 1 अप्रैल 2024 से क्या संशोधित मानदेय हो गया है। आप ऑप्शन देख लीजिए, क्या 19,000 है, 20,000 है, 21,000 है, 22,000 है, पर मंथ कितना हो जाएगा, डॉक्टर के लिए ऑनरेरियम कितना हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ₹21,000, ₹21,000 हो जाएगा, 21,000 यहाँ पर आपका दर हो जाएगी 1 अप्रैल 2024 से। और इसमें कंडीशन बताई गई है कि 21,000 कब मिलेंगे, जब JNV तालुका हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर दूरी पर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तो ₹21,000 ऑनरेरियम मिलेगा। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको बार बार अपडेट भी कर रहा है, एग्जिस्टिंग दरें यानी कि 1 अप्रैल 2023 से कितनी थी, ₹20,000 पर मंथ थी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, तो कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। और इन अदर JNVs यानी कि 10 किलोमीटर से कम दूरी पर है या 25 किलोमीटर से कम दूरी पर है, तो उन JNVs के लिए ₹6,600 पर मंथ था, और टोटल यहां पर कितना हो जाएगा 9 महीने के लिए, 59,400 हो जाएगा। इसके बाद में रिवाइज रेट है वो कितनी हो गई है, ₹21,000 हो गई है, तो अभी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1,89,000 हो जाएगा। दूसरे JNV है जहाँ 10 किलोमीटर से कम या 25 किलोमीटर से कम दूरी पर JNV लोकेट है, तो 6,930 हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ टोटल पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ₹62,370 हो जाएगा। तो नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड है आपको लगातार अपडेट कर रहा है। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं, 567, व्हाट इज द रिवाइज रेट फॉर ट्रेवल एक्सपेंसेज पर चाइल्ड पर मंथ फॉर लोकल जर्नी विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2024।
1 अप्रैल 2024 से स्थानीय यात्रा के लिए प्रति बच्चा प्रति माह यात्रा व्यय की संशोधित दर क्या है? तो स्थानीय यात्रा के लिए प्रति बच्चा आप व्यय देख लीजिए, क्या 24 रुपये, 26 रुपये, 27 रुपये या 28 रुपये, कितना संशोधित कर दिया गया है। स्थानीय यात्रा के लिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 27 रुपये कर दिया गया है। अभी ट्रेवल एक्सपेंसेज है किसके लिए, लोकल जर्नी आपको ध्यान देना है, कितने रुपये रिवाइज्ड हो गया है, 27 रुपये हो गया है। और पुरानी दर क्या थी, ये नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको बता रहा है। पुरानी दरें हैं वो 26 रुपये पर चाइल्ड थी, तो 26 रुपये से बढ़ा करके इसको कितना कर दिया है, 27 कर दिया है। अगर आप 26 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 234 रुपये बनते हैं, मतलब कि 9 महीने के लिए, साल के लिए कितना खर्चा मिल रहा था ट्रेवल एक्सपेंसेस के लिए, 234 रुपये मिल रहा था, अब उसको कितना कर दिया है, 27 रुपये कर दिया है। तो 27 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 243 रुपये हो जाएगा। तो टोटल पूछा जाए तो टोटल भी आपको बता देना है, मंथली पूछा जाए तो मंथली भी बता देना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं परंतु यही तो पूछे जाते हैं, कोई दूसरे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं, 568, हाउ मच इज द डेली अलाउंस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग जर्नी ओनली फॉर पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस इवेंट्स एक्टिविटीज आउटसाइड द जेएनवी विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2024। 1 अप्रैल 2024 से जेएनवी के बाहर विभिन्न कार्यक्रमों गतिविधियों में भाग लेने के लिए यात्रा के दौरान छात्रों को कितना दैनिक भत्ता प्रदान किया जाता है। आप ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है, ए हो जाएगा कि बी हो जाएगा कि सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा। डी ए कितना मिलता है अगर बच्चा जेएनवी से बाहर कोई इवेंट में या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो कितना डी ए मिलेगा, पर चाइल्ड कितना मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, 347 रुपये पर डे पर स्टूडेंट मिलेगा, मतलब कि रिवाइज्ड रेट है वो कितनी हो गई है, 347 रुपये हो गई है पर डे के हिसाब से डी ए मिलता है। तो 347 रुपये रिवाइज्ड रेट हो गई है। और साथियों यहाँ पर नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड है बार बार आकर के आपको बता रहा है कि पुरानी दरें कितनी थी। पुरानी दरों का मतलब है जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई थी और 31 मार्च 2024 से लागू थी। तो पुरानी दरें एग्जिस्टिंग दरें भी देख लीजिए, 330 रुपये थी, 330 रुपये को बढ़ा करके कितना कर दिया है, 347 कर दिया है। तो आप रिवाइज रेट भी यहां पर देख पा रहे हैं, पुरानी दरें भी देख पा रहे हैं, 330 रुपये आउटसाइड द जेएनवी इवेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए डीए मिल रहा था, अभी कितना हो गया है, 347 हो गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन 569, व्हाट इज द रिवाइज एक्सपेंडिचर ऑन टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम अप्रैल 1, 2024। 1 अप्रैल 2024 से पाठ्य पुस्तकों पर संशोधित व्यय क्या है। आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिक्स्ड एनुअल रेट सेट बाय एनसीईआरटी, वेरिएबल रेट्स बेस्ड ऑन स्कूल लोकेशन एक्चुअल बेसिस एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रेट्स और नो एक्सपेंडिचर ऑन टेक्स्ट बुक्स अलाउड। तो क्या उत्तर ठीक हो जाएगा, 1 अप्रैल 2024 से पाठ्य पुस्तकों पर क्या संशोधित दरें लागू हो गई हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एक्चुअल बेसिस एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रेट, जो एनसीईआरटी ने टेक्स्ट बुक की रेट निर्धारित की है उन टेक्स्ट बुक के रेट के अनुसार मिलेगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड बता रहा है पुरानी दरें हैं यानी कि एग्जिस्टिंग दरें हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी चीजों पर संशोधन नहीं किया गया है, कोई दरों में चेंज नहीं किया गया है, कोई इंक्रीज नहीं किया, कम नहीं किया। यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑफ टेक्स्ट बुक्स विल बी ऑन एक्चुअल बेसिस एज पर टेक्स्ट बुक्स रेट्स ऑफ एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी निर्धारित करेगी उसके अनुसार रेट मिलेंगी, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किए गए। ये रूल एप्लीकेबल था 1 अप्रैल 2023 से, जिसको कंटिन्यू किया गया है 1 अप्रैल 2024 में, भी कोई बदलाव नहीं किए गए। जो एनसीईआरटी की रेट होगी वो खर्चा दिया जाएगा टेक्स्ट बुक के लिए। क्वेश्चन देख लेते 570, हाउ आर मेडिकल एक्सपेंसेज कैलकुलेटेड फॉर स्टूडेंट्स इन द जेएनवी, जेएनवी में छात्रों के लिए चिकित्सा व्यय की गणना कैसे की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस आधार पर मेडिकल एक्सपेंसेज है उसको कैलकुलेट किया जाता है बच्चों के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, मंथली अमाउंट्स मल्टीप्लाइड बाई द नंबर ऑफ मंथ्स इन ए स्कूल ईयर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली नवोदय सिस्टम पर आधारित सारे क्वेश्चंस लेकर के आ रही है धौलागढ़ माता सीरीज में। अगर आपको धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि इस प्रकार की यूनिक सीरीज दूसरी जगह आपको कहीं नहीं मिलने वाली है।
अगला सवाल देख लेते हैं। 571, व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड डिफरेंट ऑनरेरियम अमाउंट्स फॉर पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर्स इन वेरियस लोकेशंस एज मेंशन्ड इन द जेएनवीज। जेएनवी में उल्लिखित विभिन्न स्थानों में अंशकालिक चिकित्सा अधिकारियों या डॉक्टरों के लिए अलग अलग मानदेय राशि के पीछे क्या तर्क है, मतलब कि अंशकालिक डॉक्टर है एक जगह पर क्या ऑनरेरियम मिल रहा है, दूसरी जगह पर क्या ऑनरेरियम मिल रहा है, इस मानदेय निर्धारित करने के पीछे तर्क क्या है, अलग अलग मानदेय निर्धारित करने का क्या लॉजिक हो जाता है। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए कौन सा हो जाएगा, ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, अलग अलग मानदेय राशि के पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग रीजनल कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंसेज एंड डिस्टेंस चैलेंजेस, मतलब कि अलग अलग जगह की लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंसेज होते हैं, साथ में डिस्टेंस चैलेंजेज होते हैं, उनके आधार पर मानदेय है वो अलग अलग निर्धारित किया जाता है जेएनवी के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 572, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर रिवाइजिंग द रेट्स ऑफ बेडिंग आइटम्स एनुअली फॉर स्टूडेंट्स इन एनबीएस। एनबीएस में छात्रों के लिए बिस्तर वस्तुओं की दरों को सालाना संशोधित करने का प्रामाणिक कारण क्या है, क्यों संशोधित की जाती हैं, बेडिंग आइटम की दरें हैं वो संशोधित क्यों की जाती है जेएनवी में। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है, टू डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ बेडिंग आइटम्स हो जाएगा, या टू अलाइन विद द इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, या टू रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड हो जाएगा, टू कट डाउन ऑन ओवरऑल स्टूडेंट एक्सपेंडिचर, क्यों संशोधित किया जाता है। निश्चित रूप से आपने लॉजिक लगा के आंसर ढूंढ लिया है, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, टू अलाइन विद द इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि सीपीआई को देखते हुए CPI अगर बढ़ता है घटता है उसके आधार पर क्या किया जाता है, संशोधित की जाती है दरें, तो निश्चित रूप से CPI है वो बढ़ते जा रहा है, उसके अनुसार बिस्तर वस्तुओं की दरें हैं वो संशोधित की जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 573, एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ NBS व्हाट आर द स्पेसिफिक गाइडलाइंस रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ कमोडिटीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। NBS के निर्देशों के अनुसार अप्रैल 2024 माह के लिए वस्तुओं की खरीद के संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देश क्या जारी किए गए हैं। आपको अप्रैल 2024 मंथ के लिए कौन सी दरों के कौन सी रेट से खरीदी करनी होगी, सामान खरीदना होगा। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए क्या ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आप उत्तर देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। Items should be procured at rates set for the session 2023-24। यानी कि अप्रैल माह में आपको पुरानी दरों से खरीद करनी होगी। पुरानी दरें कब से लागू है, 1 अप्रैल 2023 से जारी है। आपको 2023 की दरों से खरीदी करनी है, कब के लिए, अप्रैल 2024 के लिए खरीदी करनी है, तो पुरानी दरें ही हैं वो लागू हो जाएंगी। आगे के सेशन के लिए 1 अप्रैल 2024 की दरों से यानी कि रिवाइज दरों से खरीदी कर सकते हैं, परंतु अप्रैल माह के लिए जो पुरानी एग्जिस्टिंग दरें चल रही उन्हीं से खरीदी करनी होगी। ये विशेष गाइडलाइंस है वो जारी किए गए हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 574, हाउ आर डिसीजंस मेड रिगार्डिंग द एनुअल इंक्रीज इन रेट्स फॉर बेडिंग आइटम्स इन NBS। NBS में बिस्तर वस्तुओं की दरों में वार्षिक वृद्धि के संबंध में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। आप ऑप्शन देख लीजिए, वार्षिक वृद्धि है वो किस आधार पर की जाती है बिस्तरों के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज डिसीजन एंड CPI चेंजेस। बहुत बड़ी बात है, कोई भी चेंज करना है, बदलाव करना है, वृद्धि करनी है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिसीजन लेगी, और साथ में ये डिसीजन है किस आधार पर लिया जाएगा, CPI चेंजेस के आधार पर लिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 575, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग द मैस मेन्यू इन JNVs अकॉर्डिंग टू द NBS। NBS के अनुसार JNV में मैस मेन्यू में सुधार का उद्देश्य क्या है। बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। टू रिड्यूस फूड ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स, टू अलाइन विद इंटरनेशनल न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स, टू प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन टू स्टूडेंट्स, टू इंक्रीज ओवरऑल स्टूडेंट एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो NBS के अनुसार JNV में मैस मेन्यू में सुधार करने का क्या उद्देश्य हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टू प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन टू स्टूडेंट्स, मतलब कि आयु अनुसार जो भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार भोजन देने के लिए, पोषण देने के लिए मैस मेन्यू में सुधार किया जाता है, रिवाइज्ड की जाती है रेट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा।
मैस एक्सपेंडिचर से संबंधित रिवाइज रेट है वो सारी हम चर्चा कर चुके हैं। धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 29 में आप उसको जरूर देखिए। अगला सवाल देख लेते हैं 576। हाउ डज NVS एंश्योर गुड क्वालिटी फैसिलिटीज एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर स्टूडेंट्स ओवर टाइम। NVS समय के साथ छात्रों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सुविधाएं और पौष्टिक भोजन कैसे सुनिश्चित करता है? आप ऑप्शन देख लीजिए, किस आधार पर अच्छी गुणवत्ता बनाई जाती है, साथ में पौष्टिक भोजन देने के लिए ये इंश्योर किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है नवोदय के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बाय रिवाइजिंग नॉर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर पीरियोडिकली। बहुत बड़ी बात बताई गई है कि गुणवत्ता में लगातार, सुविधाओं में लगातार सुधार किया जाता है, पौष्टिकता बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है कि नॉर्म्स है, एक्सपेंडिचर है, उनको पीरियोडिकली समय समय पर बदला जाता है, बदलाव किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते हैं 577। व्हाट इज द स्पेशल ड्राइव इनिशिएटेड फॉर JNVs इन पुअर कंडीशंस। खराब परिस्थितियों में JNV के लिए शुरू की गई विशेष मुहिम क्या है? तो यहाँ पर हम JNV में कंस्ट्रक्शन से संबंधित इससे पहले वाली सीरीज देख रहे थे। खराब परिस्थितियों वाले JNV में कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी मुहिम चलाई जा रही है? आप ऑप्शन देख लीजिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड ड्राइव चलाया जा रहा है, या मेजर रिपेयर ड्राइव चलाया जा रहा है, या एक्सपेंशन ड्राइव चलाया जा रहा है, या रिनोवेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, कौन सा ड्राइव चलाया जा रहा है जहाँ पर की JNV की कंडीशन पुअर हो गई है? तो क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं NVS के द्वारा? मेजर रिपेयर्स ड्राइव चलाया जा रहा है जिससे पुअर कंडीशंस वाली JNV है उनको अपग्रेड किया जा सके, उनको सुधारा जा सके, कंडीशंस है ठीक की जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 578। व्हाट मॉडिफिकेशन वाज मेड इन द कंसेप्ट डिजाइन ऑफ ऑल बिल्डिंग्स लेआउट्स ऑफ JNV कैंपस। JNV परिसर के सभी भवनों के लेआउट के कंसेप्ट डिजाइन में क्या संशोधन किया गया है? आप ऑप्शन जरूर देख लीजिए, JNV परिसर है उनके लेआउट में कौन से कंसेप्ट को चेंज किया गया है, संशोधित किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। सही उत्तर क्या होने वाला है? सी हो जाएगा। एडिशन ऑफ ग्रीन स्पेसेज फॉर बेटर एफिशिएंसी एंड कंफर्ट। ये बड़ी बात की गई है कि ग्रीन स्पेसेज है वो बढ़ाए जा रहे हैं। ग्रीन स्पेसेज बढ़ाने के लिए JNV भवनों के लेआउट कंसेप्ट में बदलाव किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 579। व्हाट इज द फोकस ऑफ साइट सिलेक्शन प्रोसेस मॉडिफिकेशन फॉर कंस्ट्रक्शन स्पीड एंड इकोनॉमी। निर्माण गति और मितव्ययता के लिए साइट चयन प्रक्रिया संशोधन का फोकस क्या है? आप ऑप्शन पढ़ के देख लीजिए, निर्माण गति बढ़ानी है, मितव्ययता बढ़ानी है, तो साइट चयन प्रक्रिया में क्या संशोधन किया गया है नवोदय के द्वारा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बेटर मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ JNV। साइट सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बदलाव किए गए हैं जिससे कि नया JNV खड़ा करना है तो जो साइट है उसको देखा जा रहा है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं वो बदले गए हैं जिससे सुविधाएं अच्छी रहे, अच्छा मैनेजमेंट हो सके और विद्यालय है वो अच्छा खड़ा हो सके, अच्छा कार्य कर सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं NVS पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 30 का अंतिम सवाल 580। What initiatives have been taken to promote digital India through strengthening of NVS website? NVS website को मजबूत करके डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है NVS के द्वारा? Launching a mobile app, implementing a social media campaign, enhancing communication through the website, developing an online learning platform. तो NVS वेबसाइट को मजबूत करके डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है NVS के द्वारा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एनहांसिंग कम्युनिकेशन थ्रू द वेबसाइट, मतलब कि वेबसाइट के द्वारा कम्युनिकेशन किया जा रहा है, सर्कुलर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो वेबसाइट के द्वारा कम्युनिकेट किए जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 30 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 580 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए। ये क्वेश्चंस हैं NVS स्कीम के सारे टॉपिक को कवर कर रही है, जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मैस मैनेजमेंट है, हॉस्टल मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है, एडमिशन इन JNVs है, साथ में हाउस सिस्टम, रोल ऑफ HMEHM, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्रोसीजर, JNVST, ट्रांसफर पॉलिसी एंड मैनी मोर। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।